मरहबा मरहबा शाने ईद 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 मरहबा 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 शाने ईद मरहबा 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 शाने ईद मरहबा। सुभान अल्लाह भाई, बहुत ज़बरदस्त। और एक आपने रौनक आ गई हमारे फ्लोर पे, आपके बहुत प्यारा अंदाज और बड़ी मीठी आवाज़ माशाल्लाह से। साहर और सुमेरा, आप दोनों से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि जब आप लोग शॉपिंग पे जाती हैं, अब आपने बहुत ज़्यादा देर लगाती हैं शॉपिंग पे, या फिर ऐसा होता है कि पहली नज़र में जो सूट पसंद आ गया वो ले लिया, या कभी कभी ये भी होता है कि आपको पहली नज़र में कोई सूट पसंद आ गया उसके बावजूद भी आपने पूरे मॉल में घूमना है और उसके बाद आके मेरी तरह वही सूट लेना है, ऐसा ज़रूर होता है? मेरे साथ ऐसा होता है कि पहली नज़र में जो पसंद आ जाता है ना वही पसंद आता है। हाँ, शॉपिंग का एक्चुअली ये होता है कि शॉपिंग करती तो हूँ जाके अम्मी के साथ ज़्यादातर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ देख लेती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि दूसरी शॉप पर भी जाके देखूँ पहले, कहीं महंगी तो नहीं मिल रही है ज़्यादा, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। लेकिन एक बात यह है कि जो एक चीज़ पसंद आ जाती है ना, मेरा दिल वहीं अटक जाता है। अच्छा। मैंने वही खरीदनी होती है, लेकिन ये कि आइडिया हो जाता है कुछ पैसों का कि ज़्यादा है या कम है, खरीदती वही हूँ। अच्छा ताबिन धाबा, मैंने आपकी ड्रेसिंग देखी है, बहुत सादगी आपके लिबास में ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ड्रेस होते हैं, बहुत अच्छे इनके, लेकिन ये कि बहुत सादगी है शुरू से आपके लिबास में, यही सादगी है। आप किस तरह से, अब तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का भी ज़माना हो गया, आपने ऑनलाइन तो मैंने कभी भी नहीं मंगाया। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देखा कि जो टेक्सचर आप कपड़े का अपने हाथ से छू के देखते हैं, या कलर्स, क्योंकि आपको पता प्रिंट में कलर चेंज हो ही जाते हैं ऑनलाइन, तो जब मुझे देखो, मेरा तो शॉपिंग का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन जैसे मैं एक दुकान में गई, ठीक है, मुझे मालूम है मेरे पास 10,000 रुपये, मुझे दो जोड़े खरीद लें, मैं एक दुकान में घुसी, अगर मेरी पसंद के दोनों जोड़े मेरे बजट में मुझे मिल गए, सही है, मैंने लिया, तो मेरा ड्राइवर पूछता है कि बाजी क्या हुआ, मैंने कहा चलो हो गया। और जब मेरी बहनें बहन जाती हैं सुबह से लेके शाम हो जाएगी, रात वापस आएंगी कहीं कुछ मिला ही नहीं, तो मैं कहती तुम लोग सारा दिन क्या कर रही। अच्छा, मेरी दुकानें बंदी भी होती थी, ज्वेलरी की एक दुकान है, जूतों की एक दुकान है, कपड़ों की एक दुकान है, मैं कभी बाजार, देखो ना कॉमन सेंस की बात है, आपको आपका बजट होता है और आपकी पसंद होती है, अगर घुसते ही आपको आपके बजट में आपकी चीज़ें मिल जाएँ तो फिर वो अपनी टांगों को झगाने ही क्या। जी हाँ, मैं आपसे ज़रूर ये पूछूंगी, ईद के लिए क्या कहेंगी ये हमारी बहनों को, क्या मशवरा देंगी ये बहनें, क्योंकि थक भी जाती हैं ना ख़वातीन ईद की शॉपिंग करती हैं, फिर रमज़ान की थकन बहुत ज़्यादा होती है उनको, क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो घर के सारे लोग हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि ख़वातीन जो है ना, उनकी भी ईद है, तो क्योंकि वो जो है वो किचन में ही रहती हैं, और उनकी ना कोई छुट्टी होती है, ना उनका कोई संडे होता है, ना उनका कोई हॉलीडे होता है, ना उनकी ईद ईद है, ना बकरीद बकरीद है, तो वो सिर्फ फरमाइशें जो है वो पूरी कर रही होती हैं सबकी। तो कोई एक ऐसा दिन, क्योंकि हम 3 दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसा दिन लेडीज़ के लिए होना चाहिए कि आज तुम्हारी ईद है, आज तुम बैठ जाओ, आज हम तुम्हारे लिए करेंगे। ये तो मैं बाकी लोगों को ये मशवरा देना, भाइयों को दे दिया ना ये मशवरा, क्या मशवरा देंगे जी? बहनों को मैं ये देखें, अपनी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है ना, अगर आप जताएंगे अपनी इम्पोर्टेंस को, आप ये चीज़ की डिमांड करेंगे, आप चाहेंगे इस चीज़ को, तो तभी तो आपको मिलेगी ना, वरना तो नहीं मिलेगी। सही सही। और ये वैसे ये बात है कि हमारी जो मशरकी रिवायात हैं, हमारी जो बहनें वो यही करके बहुत खुश होती हैं कि आपने कुछ बना दिया, उनको खिला दिया, भाइयों ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, इसी पर बहुत खुश होती है ना। ना ही नानी बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। नानी नानी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही आपकी? बहुत अच्छा लगा, मेरे खाले मेरी जिंदगी में इससे बढ़कर और कोई खुशी का दिन नहीं था। तो इतना शर्माने की क्या बात है इसमें, आप शर्मा क्यों रही हैं? नहीं, मैं शर्माती नहीं हूँ, ये तो ऑनर की बात है कि अल्लाह ने मुझे रुतबा अता किया, और रुतबों पर फख्र किया जाता है, शर्माया नहीं जाता। अभी जो आपके नवासा है, नवासी में क्या है? नवासा है। उनका नाम जोहान है। ईदी दे दी आपने पहले दिन या उसको उनकी बच्ची की ईदी जा चुकी है, हमारे तो रस्म और रवाज ये कि ना पहले चली जाती ईदी। अच्छा। लेकिन जब नवासा ईद के दिन मेरे घर आएगा तो उसकी भी ईदी होगी, कपड़े उसके पहुंच। अभी तो वो छोटा है ना, अभी तो उसे पता ही नहीं चला होगा कि भाई क्या ईदी है, लेकिन ये क्या उसकी वालिदा ने जरूर आपने। लेकिन देखिए, जब बच्चों को ईदी मिलती है ना, तो उनकी माँ को उससे ज्यादा खुशी थी कि हमारे बच्चे को ईदी मिली, और वो सारे लिफाफे छोटे बच्चों के साइड पे हो जाते हैं खवातीन के, चलो अभी जल्दी से देना है, बच्चों की ईदी आप ले लें।
वरना एक साल के बाद बच्चा इतना समझदार है आज के जमाने का, वो कहता है अपनी माँ से हिसाब की मेरे इतने पैसे तो दे दीजिए। सही सही बिल्कुल। और बच्चे वाकई बच्चे हमारे हद के चालाक हो गए कहते हैं ना। पहले हम जब इतने छोटे से थे, अफजा अब भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हम लोग जो है अपनी दीदी अम्मी को दे देते थे, आज के बच्चे नहीं देते। आपके बच्चे क्या करते हैं? माशाल्लाह मेरे बच्चे भी अब हो गए, चलाक हो गए माशाल्लाह इस मामले में, दे देते हैं जी। नहीं अब बड़े बेटे माशाल्लाह से अब बड़े हो गए ना, तो उनको आ गया है कि नहीं मम्मा मैंने अपनी दी अपने पास रखनी है, मुझे जमा करना है और इस जो मैं जमा करूँगा मुझे ये चीज़ लेनी है। और वो जो छोटी है ना उनको भी अकल आ रही है भाई को देख देख के ना, मम्मा मेरी दी भी मुझे देना। वो आजकल बच्चों को पता होता है कि कितनी हो गई है, नोटों की पहचान भी है, बड़े ज़बरदस्त शरारती से बच्चे और बहुत चलाक भी हो गए और उनको सब हिसाब किताब। अच्छा बरीदा जो है अभी उनको इतना साइंस नहीं है पैसों का, मम्मा ये उनको नहीं पता कि ये 10 रुपीज़ हैं या 20 रुपीज़ हैं 50 रुपीज़, उनको नहीं पता होता। चले सर मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, ईद पे सबसे पहले दिन क्या बनाती हैं आप? अच्छा सबसे पहले तो नमाज से पहले तहरी शीर खुरमा बनता है, फिर नमाज के लिए जाया जाता है, फिर आकर नाश्ता वगैरह होता है, नियाज वगैरह होती है, फिर दोपहर में पुलाव बन जाता है या कौरमा बन जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो कौरमा ज़्यादा पसंद है। आप क्या बनाती हैं? मुझे ना कुकिंग का ज़्यादा शौक़ नहीं है, टाइम की भी कमी होती है, लेकिन ईद वाले दिन में शीर खुरमा ज़रूर बना लेती हूँ। अच्छा। शौहर भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, पसंद आता है उनको आपके हाथ का शीर खुरमा। उसके अलावा किसी के हाथ का ऐसे भी ऐसे होते हैं ना, आपके हस्बैंड कहते हैं हमारे भाई के भाई आप ही ने बनाना और किसी के हाथ का मुझे शीर खुरमा नहीं खाना, ऐसी कहानी आपके घर की? नहीं शीर खुरमे की तो फरमाइश की जाती है कि क्या आप बना लीजिए, लेकिन और किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की जाती कि बीमार ना हो जाए वो डरते हैं। आप नहीं ऐसी बात नहीं है, आप छोटी हैं, आपका ईदी लेने का हक है, आपको जरूर दूंगी प्रोग्राम के बाद। देखिए बड़ों की तरफ से हमें ईदी मिलेगी, फिर हमारी ईदी जो है वो छोटों की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं ये तो सिलसिला नस्ल दर नस्ल चल, बड़े छोटों को देते फिर से छोटे अपने छोटों को देते। ना ही आप आपसे जरूर पूछूंगी मैं, अभी आपको कौन ईदी देता है? बहुत पेचीदा सवाल है कि बिछड़े हुओं की याद में ये दिल उदास है, इस सुबह ईद घर को सजाऊं मैं किस तरह। जरे मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, मेरी एक बहन है वो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन मेरा शौहर मेरा दिल रखते हैं, ईद वाले दिन वो मुझे सबसे पहले ईद। अरे वाह भाई क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त सर देना करके। ईद का शेर मैं चाहूँगी कोई हमें सुनाए, ईद का शेर कौन सुनाएगा? बहुत अच्छा जबरदस्त था, डब्बे में वही डब्बे वाला है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। एक और भी ईद आई है बड़ी धूमधाम से, मारो कुछल पड़ी है सिवैयों के नाम। नहीं नहीं मैं नहीं उछलती भाई, ना सिवैया पती है तो ये पूछ लेते हैं कि सिवैयों के नाम से नहीं किसके नाम से उछलती है? केक के नाम से चेंज कर लेते हैं, चॉकलेट केक पिज्जा के नाम से, पिज्जा चॉकलेट केक बिरयानी। अब वो वक्त वक्त की बात है ना, पहले जो है वो सिवैया होती थी, वो चेंज होके केक और पिज्जा चीजों पे आती हूं मैं, मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती है। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे खाने में अरबिक डिशेस पसंद है, कोर्स मंदी पसंद है, कोजी पसंद है, क्योंकि ना ज़्यादातर तो आप पाकिस्तान में आ गई ना, पाकिस्तान नहीं पसंद मेरी, आप पसंद की बात कर रही हैं ना, तो वो एडजस्ट होना एक अलग चीज़ है कि हम खा लेते हैं, जैसे अभी खाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कि जो ज़्यादा पसंद है ज़्यादा यानी मैलान जिस तरफ है वो तो जाहिर है वही डिशेज है जो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। डिश है वो मंदी ही आई थी, मंदी है, रोज बुखारी है, रोज बुखारी है, कप्सा है जी जी, और मीठों की अगर आप बात कर लें तो कुनाफा है, बसबूसा है, महल्लबिया है, शहरिया है। सर मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगी कि अभी तक आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी ईदी आपको किसने दी? और मैं ये एक बात ये ज़रूर होती है अगर हम किसी कोई पूछता है ना कि भाई आपने गिफ्ट लेना है या ईदी लेनी है, आपको क्या लगता है कि आपको कोई गिफ्ट दे तो ईद पे गिफ्ट अच्छा लगता है या फिर कैश में ईदी अच्छी लगती है? नहीं मुझे कैश अच्छा लगता है, मुझे पता था यही जवाब आएगा। ईद की जहाँ तक आपने बात की कि ईदी लेना अच्छा लगता है, कैश लेना अच्छा लगता है, ये सबसे ज़्यादा किसकी ईदी अच्छी होती है, तो सबसे पहले तो शादी से पहले पापा जो ईदी दिया करते थे वो ऐसा होता था कि रात में पापा चांद रात पर एनवेलप हमारे पापा बनवाते थे, बाकायदा ईद मुबारक लिखकर उस पर एक शेर होता था और वो सब एनवेलप मैं बनाती थी। अच्छा ठीक है, तो पापा कहते थे अपना पढ़ाना है तो बढ़ा लो, ऐसे तो नहीं होता था कि आपने सिर्फ नाम लिख दिए सबके खाली और सारी ईद। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता था। अच्छा डॉक्टर साहब आपने ब्रेक ले ली है, शान ईद में अब ब्रेक का टाइम हुआ है, चलिए हम सब चलते हैं ब्रेक। Shine.
ईद मनाएं।